दोस्तों आज की वीडियो में CES लिमिटेड शेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक हफ्ते पहले इस शेयर के बारे में मैं आप लोगों को गाइड किया था कि स्टॉक जो है आगे आने वाले दिन में बहुत ही अच्छा मल्टीवैल्यू रिटर्न दे सकता है। और तब के वीडियो में इस शेयर के बारे में मैं फंडामेंटली एनालिसिस बहुत शॉर्ट में ही किया था, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों इस शेयर से जुड़ी ऐसे बहुत सारा जानकारी आप लोगों को देने वाला है जो कि उनके डाटा को देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है, ये शेयर आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है। और दोस्तों ये स्टॉक अभी फिलहाल BSE के ऊपर ट्रेडिंग बंद है क्योंकि इनका कुछ BSE के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते अभी ट्रेडिंग बंद है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी इसका ट्रेडिंग शुरू होने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए इस स्टॉक के बारे में आज से फंडामेंटल के बारे में जानकारी रख लीजिए क्योंकि आगे ये स्टॉक जो है बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। आगे दोस्तों इस स्टॉक की फंडामेंटली आप लोगों को दिखाएंगे ये स्टॉक कितना स्ट्रांग है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ में वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा क्योंकि स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिस कर दोगे जो कि आप लोगों को आगे चलकर बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके दोस्तों देखिएगा। और साथ में दोस्तों अगर चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर बेसिस में हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले शेयर के बारे में बात करें। दोस्तों एक छोटा सा पेनी स्टॉक IT सेक्टर से बिलोंग करता है। ये कंपनी जो है ऑल एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और साथ में IT एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइड करती है और ग्लोबल एंटरप्राइज थ्रू बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। दोस्तों एक कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है, बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप है इनका जो कि आगे आप लोगों को बताएंगे, वीडियो पे बने रहिए। कंपनी का की पॉइंट को आप लोग यहां पर फोकस कर सकते हो, इंडस्ट्री बेस्ड सर्विस में ये कंपनी जो है एसेट मैनेजमेंट, BFSI, मॉर्गेज, रिटेल, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सबको अपने इंडस्ट्री बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। और दोस्तों बिजनेस प्रोसेस सर्विस में ये कंपनी जो है लाइक लोन प्रोसेसिंग, फ्रॉड प्रिवेंशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑटोमेशन, HR सर्विस एंड इमेज एडिटिंग सर्विस, ये जो सर्विसेस है बिजनेस प्रोसेस सर्विस में प्रोवाइड करती है। और टेक्नोलॉजी सर्विस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल सर्विस, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड डिजिटल कॉमर्स, डाटा एनालिटिक्स, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और चौथे नंबर पर है सॉल्यूशन सर्विस, इसमें भी बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि कैश रिकंसिलिएशन, वेब हार्वेस्टिंग, टेस्ट एक्लेरेशन, विजन इंश्योरेंस मैनेजमेंट एंड सीगार्ड, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों इनका बिजनेस जो है बहुत ही शानदार है, बहुत ही ऊपर लेवल का है, इसीलिए दोस्तों इनका क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट पे भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रही है। दोस्तों आगे बताएंगे, वीडियो पे बने रहिए, वन बाय वन करके इनके पैरामीटर को चेक करेंगे। और दोस्तों कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस को यहाँ पर देख सकते हो, इनका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है और IT हब्स जो है हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सब लोकेशन पर इनका डिलीवरी सेंटर है। और दोस्तों इनका जो नियर सोर्स प्रेजेंस है, आगे इनका यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट यहाँ पर है और IT एनेबल सर्विस में ये बहुत ही लार्जेस्ट है और मेजोरिटी ऑफ सर्विस जो है यूनाइटेड स्टेट को एक्सपोर्ट है जो कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा मार्केट क्लाइंट है। ये कंपनी बहुत ही आगे चलकर शानदार होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशन को देखोगे, ये कंपनी का बहुत ही छोटा सा मार्केट वैल्यू है, यहाँ पर देख पाओगे 1.20 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक का PE अभी 0.04 पे ट्रेड कर रहा है और करेंट प्राइस अभी बहुत ही सस्ते पे ट्रेड कर रहा है, 33 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है और 52 वीक में बहुत ही ज्यादा तेजी अभी तक नहीं हुआ है, 30 पैसे से शुरू हुआ था, अभी 33 तक तेजी हुआ है। और दोस्तों ROE को यहाँ पर देख पाओगे, ROE जो है बहुत ही अच्छा परसेंटेज में अभी अवेलेबल है, 30.23 पे अभी अवेलेबल है। और दोस्तों स्टॉक का बुक वैल्यू 37 है जो कि अपने बुक वैल्यू से स्टॉक जो है बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें यहाँ पर पढ़ सकते हो, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अपने बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों कंपनी के बारे में नेगेटिव पॉइंट जो है यहाँ पर देख सकते हो, कंपनी जो है अच्छी प्रॉफिट कर रही है लेकिन अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं देती है। ऐसे भी दोस्तों ये कंपनी जो है बहुत ही छोटा सा कंपनी है तो अपने प्रॉफिट को लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगा रही है, तो ऐसे में कंपनी डिविडेंड ना दे तो चलेगा, तो ये पैरामीटर को आप लोग इग्नोर करके चल सकते हो क्योंकि कंपनी जो है आगे चलकर इनका शेयर प्राइस जो है बहुत ही ऊपर तक जा सकता है, तो डिविडेंड ना देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए पैरामीटर को आप लोग इग्नोर करके चल सकते हो। और दोस्तों और एक पॉइंट है, यहाँ पर कंपनी का जो अर्निंग है यहाँ पर 69.99 करोड़ अदर अर्निंग से जनरेट हुआ था जो कि इनका टोटल अर्निंग से इंक्लूड हुआ है और ये पॉइंट भी ज्यादा मेजर नहीं है। कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ये प्रॉफिट को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगा रही है, तो ये पैरामीटर को आप लोग इग्नोर करके चल सकते हो। और यहाँ पर और एक पॉइंट है, डेप्टर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 59 डेज टू 76 डेज और ये पैरामीटर में थोड़ा नेगेटिविटी है क्योंकि डेप्टर डेज जो है कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है जो कि पहले 59 डेज
था और अभी के लिए इंक्रीजमेंट होकर 76 डेज हो चुका है। तो ये पॉइंट को आप लोग अपने माइंड पर रख सकते हो। और दोस्तों आगे कंपनी की बैलेंस शीट चेक करोगे तो यहाँ पर कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ का बोरिंग मनी है और सामने देखोगे रिजर्व मनी जो है बहुत ही बड़ी अमाउंट पर है, 100 करोड़ से ज्यादा का इनका रिजर्व मनी जो है अपने पास रखा है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंसिडर करोगे कंपनी जो है अपने पास रिजर्व मनी को लगातार इंक्रीजमेंट कर रहा है, तो ये पैरामीटर में कंपनी बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करोगे तो ये पैरामीटर भी कंपनी बहुत ही अच्छी है। प्रमोटर के पास 74.84% का स्टेक है और पब्लिक इसमें सिर्फ 25% का स्टेक ले रखा है, तो ये पैरामीटर में दोस्तों बहुत ही अच्छी है क्योंकि प्रमोटर के पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्टेक है। और दोस्तों आगे कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे यहाँ पर 2017 से लेकर 2021 तक डाटा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कंपनी जो है लगातार अपने रेवेन्यू में बहुत ही अच्छा इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखोगे पहले जो है 2017 को 225 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन 2021 को वो बढ़कर 313 करोड़ हुआ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को लगातार जनरेट कर रहा है, बहुत ही अच्छी इंक्रीजमेंट के साथ ऊपर जा रहा है। और दोस्तों क्वार्टरली भी देखोगे क्वार्टरली भी कंपनी जो है अपने रेवेन्यू लगातार इंक्रीजमेंट कर रहा है। यहाँ पर आपने रेवेन्यू को देखोगे पहले कंपनी के पास 69 था और अभी 97 तक पहुंच चुका है, तो ये पैरामीटर में भी दोस्तों बहुत ही असम है। और दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट को देखोगे कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगातार इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों देख पाओगे। और ईयरली नेट प्रॉफिट को भी देखोगे यहाँ पर भी लगातार कंपनी जो है अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीजमेंट कर रहा है, तो ये पैरामीटर भी कंपनी बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है कि कंपनी जो है अपने कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं रखा है, सारे के सारे होल्डिंग जो है आपने ही है। तो दोस्तों ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और अभी फिलहाल कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका ट्रेडिंग बंद है, लेकिन आगे आने वाले दिन में इनका ट्रेडिंग जो है फिर से एक्टिव होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट पर जरूर रखिए। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी का रिटर्न को भी देखोगे अभी चला स्टॉक जो है बहुत ही स्लो मूवमेंट में इनका तेजी है और आगे चलकर ये कंपनी जो है बहुत ही ऊपर तक जा सकता है क्योंकि इनका फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। तो चाहो तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में अपने कैपिटल से कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और दोस्तों स्टॉक का BSE कोड यहाँ पर देख सकते हो, स्टॉक बहुत ही अच्छा है, आप लोगों का छोटा सा इन्वेस्टमेंट आगे चलकर कई गुना कर सकता है। तो दोस्तों स्टॉक को आप लोग फोकस में रख सकते हो, कंपनी बहुत ही अच्छा है, बिजनेस भी बहुत ही अच्छा करती है और बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस में अभी मिल रहा है। तो जब भी इसका ट्रेडिंग शुरू होगा तो आप लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा और आगे चलकर ये स्टॉक आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इसमें कोई भी ट्रेड बनाने से पहले आपने और से भी अच्छे से एनालिसिस करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।